अरे बाप रे, पार्ट टू के लिए इतना क्रेज। आप लोगों ने तो मुझे ये वीडियो जल्दी लाने में मजबूर ही कर दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका इरेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो के पार्ट टू में, जो कि हमारी इस एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन का फाइनल पार्ट है, जिसमें हम एपिसोड 7 से लेके 12 तक एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने इसके फर्स्ट 6 एपिसोड्स का एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको ये हार्डली सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। पार्ट 1 की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके बाकी के बचे हुए एपिसोड्स का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। एपिसोड 7 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सतोरु खुद को मन में कह रहा होता है कि ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर बहुत जोर से चीखता है, गो बैक, और अगले ही पल वो खुद को कायो के साथ साइंस सेंटर में पाता है। यानी कि दोस्तों, सतोरु का फिर से रिवाइवल हो गया था और वो एग्जैक्टली उसी दिन में पहुंच गया था जब वो पिछली बार कायो के साथ साइंस सेंटर में था। सतोरु कायो को एक बार फिर से देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी वहां पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और जो जो पहले हो चुका था वही सब फिर से होने लगता है। सतोरु मन में खुद को कहता है कि उसे एक और मौका मिला है, ये उसका आखिरी मौका है, तो वो इस मौके को किसी भी हालत में वेस्ट नहीं जाने देगा। वो कायो को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि केन्या सतोरु से पूछ रहा होता है कि क्या उसने वो बुक रीड कर दी जो उसने सतोरु को दी थी, जिस पर सतोरु से कहता है कि उसने अभी तक वो बुक नहीं पढ़ी है, पर वो उसे पक्का पढ़ लेगा। इसके बाद सतोरु अपने घर जाता है और अपनी मॉम को फिर से एक और बार जिंदा देख के रोने लग जाता है। बाय द वे, कैसा होगा वो एहसास ना, जब हम फिर से किसी तरह उससे मिल पाए जिसे हमने खोया हो। सतोरु भी इस वक्त उसी एहसास को फील कर रहा है। इसके बाद हम 29 फरवरी का दिन देखते हैं। अब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अब 2 डे एक्स हैं, यानी कि अब कायो के मर्डर होने के 2 दिन हैं। एक है 1 मार्च और एक है 2 मार्च। पिछले रिवाइवल में सतोरु ने कायो को 1 मार्च से तो बचा लिया था, पर 2 मार्च में वो होनी को ना टाल सका। यानी कि इस बार रिवाइवल में सतोरु को आज की रात कायो को पार्क में अकेले नहीं जाने देना है और फिर कल 1 मार्च में सारा दिन उसके साथ रहना है, जिससे कायो 1 मार्च तो पहले की तरह सर्वाइव कर जाएगी और फिर साथ ही उसे 2 मार्च में भी कायो को किसी तरह बचाना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। थोड़ी बहुत चीजें सतोरु के अलग एक्शंस और की वजह से चेंज हो रही थी, बाकी सब कुछ लास्ट टाइम की तरह ही हो रहा होता है। इसके बाद हम सतोरु को क्लासरूम में देखते हैं, जहां वो केन्या से कह रहा होता है कि शायद उसने केन्या की दी हुई बुक कहीं खो दी है, जिस पर केन्या उसे कहता है कि उसने कभी सतोरु को कोई बुक ही नहीं दी थी, उसे सतोरु के अलग बिहेवियर की वजह से कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने सतोरु को जानबूझ के बुक के बारे में झूठ कहा और सतोरु भी उसके जाल में फंस गया। इसके बाद केन्या सतोरु को कहता है कि कौन हो तुम, ये सुन के सतोरु घबरा जाता है। साथ ही केन्या सतोरु को कहता है कि सतोरु पहले फेक सा लगता था, जैसे वो बस दोस्ती दिखाने का ढोंग रच रहा, पर लास्ट कुछ दिनों से उसने नोटिस किया कि अब जैसे सतोरु को सच में अपने दोस्तों की परवाह है, जैसे वो अब अंदर से कुछ और ही है। इसके बाद केन्या कहता है कि उसने भी कायो के शरीर पर जख्म के निशान नोटिस किए थे, पर उसने सोचा कि उसे क्या लेना देना और उसने इग्नोर कर दिया। पर जब उसने देखा कि जब सतोरु ने कायो के वही निशान देखे, तो सतोरु केन्या की तरह चुप नहीं रहा, बल्कि उसने कुछ एफर्ट्स पुट किए। उसके लिए गट्स चाहिए होता है, जो कि सतोरु में है, केन्या में नहीं। इसके बाद केन्या फिर से सतोरु को पूछता है कि बताओ कौन हो तुम, जिस पर सतोरु अपने बचपन का सपना याद करता है कि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहता था, और सतोरु जोर से कहता है कि वो एक सुपर हीरो है। ये सुन के केन्या जोर जोर से हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सतोरु केन्या को अपने रिवाइवल के बारे में तो नहीं बताता, पर इतना जरूर बताता है कि उसे लगता है कि कायो की जान को खतरा है और वो कायो को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। केन्या भी सतोरु की बात का विश्वास कर लेता है और कहता है कि वो अकेला सतोरु को सुपर हीरो बनने नहीं देगा, वो भी सतोरु की हेल्प करना चाहता है, और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद सतोरु शाम को खुद पिछली बार की तरह कायो को घर छोड़ने जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जब 1 मार्च थी। यहाँ सतोरु मन में कह रहा होता है कि किलर ने कभी ना कभी युकी को कायो के साथ पार्क में खेलते हुए देखा होगा, इसलिए उसने इसका फायदा उठाते हुए युकी को फंसाने का सोचा। उसे आज पिछली बार की तरह कायो के साथ शाम देर तक चेकर्स खेलना था, ताकि वो घर जाने में आज लेट हो जाए। वो यही सोचकर उसी जगह जाता है, पर इस बार कायो वहाँ नहीं होती। तभी वो देखता है कि इस बार तो वहाँ पर सतोरु के बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं और वो कायो के साथ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। ये देखिए सतोरु कहता है कि पिछली बार से इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है, नहीं तो शायद सतोरु कायो को नहीं बचा पाएगा, और आज का दिन भी अच्छे से खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 2 मार्च का, जब कायो और सतोरु का बर्थडे था। लगभग वही सब होता है जो पिछली बार भी हुआ था, पर इस बार बीच पार्टी में सतोरु बाहर चला जाता है। सतोरु सीधा युकी के घर के बाहर जाता है और एक पत्थर को युकी के डैड के रूम में दे मारता है और वहाँ से भाग जाता है। ऐसा सतोरु इसलिए करता है क्योंकि युकी के डैड फिर ये इंसिडेंट पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और फिर आज सारी रात पुलिस इनके घर पर नजर बनाए रखेगी, जिससे वो किलर युकी को नहीं फंसा पाएगा। इसके बाद वो कायो की मॉम का पीछा करता है और उन्हें सीढ़ियों से धक्का मारने का सोचता है,
ताकि वो आज कायो से दूर ही रहे और उसे ना मार पाए। वो कायो की मॉम को धक्का मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कैनी आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर ऐसा करने से कहीं कायो की मॉम मर गई तो सतोरु बुरा फंस जाएगा। इसके बाद सतोरु और कैनी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे ताकि फिर पुलिस कायो को उसकी मॉम से दूर कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सतोरु कायो को घर छोड़ने जा रहा होता है। कायो सतोरु को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सेम टाइम पे सतोरु भी कुछ बोलने लगता है और दोनों चुप हो जाते हैं। फिर सतोरु कहता है कि अच्छा वो पहले बोलेगा। वो कायो को कहता है कि क्या वो कायो का किडनैप कर सकता है। ये सुन के कायो एकदम शॉक हो जाती है और उसे यू आर एन इडियट कहती है और मान जाती है। इसके बाद सतोरु उसे इज़ुमी एलिमेंट्री स्कूल की एक पुरानी बस में ले जाता है जो अब यूज नहीं होती, बस ऐसे ही वहीं पे पड़ी रहती है। सतोरु और कैनिया वहाँ कायो के रहने के लिए सारा सामान लाए थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और कायो को प्रॉमिस करते हैं कि वो बीच बीच में यहाँ आते रहेंगे। कायो भी उन्हें खुश होकर थैंक्स कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सतोरु को देर रात चुपके से अपने घर से बाहर निकलते देखते हैं। उसके निकलते ही उसकी मॉम की भी नींद टूट जाती है। इसके बाद हम सतोरु को कायो के साथ देखते हैं जहाँ वो कायो को कुछ खाने को लाया था। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ उस बस में कैनिया आता है और सतोरु और कायो को उनकी नींद से उठाता है। सतोरु और कायो बहुत करीब थे, उन्हें पता नहीं रात को कब आंख लग गई। जैसे वो उठते हैं एक दूसरे को इतना क्लोज है कि एकदम से दूर हो जाते हैं। आज 3 मार्च है और कायो अभी भी जिंदा थी। सतोरु की मेहनत रंग लाई पर अभी भी एक और काम बाकी था। सतोरु को कायो और उसकी मॉम को अलग करना था। स्कूल में मिस्टर याशिरो स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या किसी को पता है कि आज कायो स्कूल क्यों नहीं आई, पर किसी को भी कुछ पता नहीं होता, ना ही सतोरु कुछ कहता है। इसके बाद ब्रेक में कैनिया और सतोरु ये बात कर रहे होते हैं कि कायो को मिसिंग होके आज पूरा एक दिन हो गया है पर उसकी मॉम ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, जैसे उन्हें कायो की परवाह ही ना हो। सतोरु अभी भी टेंस था क्योंकि पिछली बार कायो के मिसिंग होने पे उसकी मॉम ने एक दिन के अंदर अंदर सतोरु की मॉम को कॉल कर दी थी, पर इस बार अभी तक नहीं की होती। इस बार सभी के एक्शंस में चेंजेस थे तो उसे डर था कि इस बार किलर की अगली मूव क्या होगी, पता नहीं आगे क्या होगा। स्कूल खत्म होने के बाद वो कायो से मिलने जाते हैं और कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब कायो बस में सो रही थी। कायो को बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कोई उस बस का दरवाजा खोलता है और एपिसोड 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी बस के अंदर आता है। कायो घबरा जाती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ पर अपना बैग रखता है और बहुत जोर से सामने रखे एक बॉक्स को किक मारता है, जिसकी आवाज सुन के कायो बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपने लग जाती है। कायो पर्दे के उस पार थी तो वो आदमी कायो को नहीं देख पाया और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सतोरु को देखते हैं जो कि सुबह बहुत जल्दी उठा होता है। सतोरु की मॉम भी उठ जाती है और सतोरु को ब्रेकफास्ट देती है। ब्रेकफास्ट करते करते सतोरु की मॉम सतोरु को शक की निगाहों से देख के पूछती है कि सतोरु कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। ये सुनते ही सतोरु एकदम से घबरा जाता है और अपनी मॉम को कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद सतोरु जा ही रहा होता है कि तभी सतोरु की मॉम उसे एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स देती है। सतोरु पूछता है ये किस लिए, तो इस पर सतोरु की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें भूख बहुत लगती है, रख लो काम आएगा। इसके बाद सतोरु कायो के पास जाता है और उसे वो एक्स्ट्रा लंच बॉक्स देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से स्कूल को निकल जाता है। कायो नोटिस करती है कि लंच बॉक्स के नीचे तो एक चिट्ठी है, वो उसको पढ़ती है जिसमें सतोरु की मॉम ने लिख रखा था कि मैंने इस बॉक्स में अपने बेटे की सभी फेवरेट चीजें डाली है। शायद सतोरु की मॉम समझ गई थी कि सतोरु छुप छुप के कायो से मिलने जाता है तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा लंच इनडायरेक्टली कायो के लिए ही दिया था। ये देख के कायो स्माइल करने लगती है। इसके बाद क्लासरूम में मिस्टर याशिरो देखते हैं कि कायो आज भी स्कूल नहीं आई होती। क्लास के बाद वो सतोरु को मिलने बुलाते हैं और उससे कायो के बारे में पूछते हैं। सतोरु कहता है कि मिस्टर याशिरो पुलिस कंप्लेंट कर दे, जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को इन्फॉर्म कर दिया है और मिस्टर याशिरो आज पर्सनली खुद CPS के ऑफिसर्स के साथ कायो के घर जा रहे हैं। ये सुनकर सतोरु खुश हो जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब मिस्टर याशिरो CPS के ऑफिसर्स के साथ कायो के घर जाते हैं, पर घर का दरवाजा तो लॉक था, शायद घर पर कोई नहीं था। इसके बाद वो घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि डिनर आधा फिनिश्ड पड़ा होता है, यानी कि शायद सतोरु की मॉम ने CPS ऑफिसर्स को यहाँ आता देख लिया हो और वो उसी वक्त पीछे के दरवाजे से भाग गई हो। वो आपस में बातें करते हैं कि कायो को उसकी मॉम से अलग करना होगा। सतोरु भी वहीं छुप के ये सब सुन रहा होता है। अगले सीन में हम सतोरु कैनिया हिरोमी और कायो को बस में देखते हैं जहाँ सतोरु उन सबको बताता है कि कल तक ये सब खत्म हो जाएगा और वो कायो को उसकी मॉम से अलग कर देंगे, जिस पर कायो कहती है कि वो अपनी मॉम के बिना बहुत खुश रहेगी। सतोरु मन में कहता है कि जब वो कायो को अपनी कस्टडी में ले लेंगे तो वो उसे उन सब से दूर कर देंगे। कायो कहती है कि वो उन सबको सारी जिंदगी याद रखेगी। इसके बाद वो सतोरु को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि ऊन के दस्ताने थे। कायो यहाँ बस में सारा दिन सारी रात चुप चुप के उन्हें ही बुन रही होती थी। सतोरु के उन ग्लव्स को देख के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो मन में कहता है तो फाइनली कायो ने अपना प्रॉमिस पूरा कर ही दिया। तभी कायो कहती है कि क्या सतोरु उसके साथ सो सकता है। ये सुनते ही सभी एकदम से शॉक होकर ब्लश करने लग जाते हैं कि कायो ये क्या कह रही है। तभी कायो उन्हें कहती है कि उसका मतलब था कि उसे यहाँ अकेले सोने में डर लग रहा है क्योंकि कल रात को यहाँ पे एक आदमी आया था। कायो उन्हें बॉक्स पर वो निशान दिखाती है जो उस आदमी ने वहाँ किक करके बनाया था। साथ ही वो उन्हें उस आदमी का बैग भी दिखाती है। बैग को खोलने पर सतोरु बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसके अंदर मास्क, रबर के शूज, वाटर स्प्रे और रोप वगैरह निकलती है। ये सब तो वही सामान थे जिससे किलर ने कायो का मर्डर
मर्डर किया था। सतोरो बुरी तरह डर जाता है और मन में कहता है कि ये स्कूल बस इज़ोमी एलिमेंट्री स्कूल के ठीक पीछे है और किलर का नेक्स्ट टारगेट आयाना कनिशी भी तो इसी स्कूल से है। इसका मतलब वो किडनैपिंग और मर्डर के लूप से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। साथ ही सतोरो मन में कहता है कि ये बस शायद उस किलर का डेली रूटीन का हिस्सा है, मतलब वो तो शाम के ही बिल में छुपे हुए थे। सतोरो कहता है कि उन्हें कायो को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा, जिस पर कैनिया सतोरो को कहता है कि क्या उसके पास कोई प्लान बी है, जिस पर सतोरो कहता है हाँ है। और अगले सीन में हम उन सबको सतोरो के घर के बाहर देखते हैं और कैनिया कहता है तो ये है तुम्हारा प्लान बी। सतोरो डोर बेल बजाता है और उसकी मॉम दरवाजा खोल के इन सभी को एक साथ देख के कहती है कि क्या माजरा है, जिस पर सतोरो कायो का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ला के कहता है कि वो बस अपने दोस्त की मदद कर रहा है। सतोरो की मॉम कायो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है जिसे देख के कायो डर जाती है, पर ये हाथ उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे प्यार से सहलाने के लिए उठे थे। सतोरो की मॉम सतोरो को शाबाशी देती है और इसके बाद वो सभी साथ में डिनर करते हैं। कायो वो लंच बॉक्स सतोरो की मॉम को वापस देती है जिसे देख के सतोरो की मॉम को स्माइल आ जाती है। इसके बाद कैनिया और हिरोमी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे से सतोरो की मॉम मिस्टर याशिरो को इन्फॉर्म करती है कि सतोरो और उनके फ्रेंड्स अभी अभी कायो को उनके घर लेके आए हैं। ये सुनकर मिस्टर याशिरो कहते हैं शुक्र है, मतलब कायो ठीक है। सतोरो की मॉम मिस्टर याशिरो को पूछते हैं कि अब कायो का क्या होगा, जिस पर मिस्टर याशिरो बताते हैं कि सीपीएस के ऑफिसर्स कायो को अपनी कस्टडी में ले लेंगे, पर कायो की मॉम हमेशा उनके आने से पहले ही घर से गायब हो जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे कायो की मॉम को सामने लाया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सतोरो की मॉम कायो को अपने साथ नहलाने ले जाती है। नहाते नहाते वो कायो के साथ खूब खेलती है। कायो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बिचारी ने पहली बार माँ के प्यार को फील किया होगा। इसके बाद वो सोने लगते हैं। कायो और सतोरो लगातार एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी सतोरो की मॉम आंखें खोलती है और कहती है कहीं वो कबाब में हड्डी तो नहीं है, जिसमें सतोरो हाँ कहता है। और ये सुनते ही कायो शर्मा के एकदम से उठ जाती है और सतोरो की मॉम को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सतोरो की मॉम सतोरो को एक मुक्का मारती है और कायो सतोरो को हमेशा की तरह वही प्यार भरी लाइन कहती है यू आर एन इडियट। इसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जब कायो अपनी आंखें खोलते ही अपने सामने इतना स्वादिष्ट नाश्ता देखती है जिसे देख के कायो की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती है जहाँ सुबह उठते ही उसकी आंखों के सामने एक सूखा सा ब्रेड पड़ा होता था। उसकी मॉम खुद तो अपनी शराब और सिगरेट्स में खूब पैसे उड़ाया करती थी पर अपनी बेटी के लिए कभी भरपेट ढंग का खाना नहीं देती थी। और फिर कायो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। गाइस सच बता रहा हूँ, मैं सीन को शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। ये है तो बहुत छोटा सा सीन पर सच में यार इसने मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया था। इवन अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कायो की मॉम को देखते हैं जहाँ वो अपने घर में कायो के सारे सामान गुस्से में इधर उधर फेंक रही होती है। तभी डोर बेल बजती है और वो घबरा जाती है कि कहीं फिर से सीपीएस के ऑफिसर्स तो नहीं आ गए। तभी उसे बाहर से कायो की आवाज आती है और वो गुस्से में बाहर जाके दरवाजा खोलती है और कायो को गुस्से में मारने ही वाली होती है कि तभी कायो के पीछे सतोरो और उसकी मॉम आ जाते हैं और एपिसोड 8 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायो की मॉम सतोरो की मॉम को गुस्से से कहती है तो ये सब तेरा किया धरा है। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, मैं पिछले 3 दिन से कायो के लिए कितनी ज्यादा परेशान थी। जिस पर सतोरो की मॉम उसे कहती है कि 3 दिन से कायो गायब है और तुमने ये पुलिस को इन्फॉर्म तक करने का ना सोचा, तो मैं कायो की नहीं बस अपनी चिंता थी। जिस पर कायो की मॉम कहती है ओ तो तुम मुझे फंसाना चाहती हो, और वो स्पेड उठाती है और पूरी ताकत के साथ उसे सतोरो की मॉम पर वार करती है। पर इससे पहले वो स्पेड सतोरो की मॉम के सर पे बच पाता, कायो अपनी मॉम को पीछे धक्का दे देती है जिससे सतोरो की मॉम बस बाल बाल बच जाती है। पर उन्हें फिर भी एक हल्का सा कट लग जाता है और उनके फेस से खून निकलने लगता है। कायो की मॉम कायो को नीचे धक्का दे देती है और सतोरो और उसकी मॉम को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर याशिरो और सीपीएस के ऑफिसर्स आ जाते हैं। कायो की मॉम सतोरो की मॉम को कहती है ओ तो ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने मुझे अपनी चाल में फंसाया। इसके बाद वो सीपीएस के ऑफिसर्स को कहती है कि किसी के बच्चे को किडनैप करना क्राइम है, बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखती हूँ। जिस पर सीपीएस के ऑफिसर कहते हैं कि वो यहाँ पुलिस को बुलाने के इरादे से नहीं आए हैं बल्कि कायो के भले के लिए आए हैं, कायो को कायो की मॉम से अलग करने आए हैं। ये सुनकर सतोरो स्माइल करने लगता है। कायो की मॉम कहती है ठीक है तो पुलिस के पास चलते हैं, वो इस मामले को अच्छे से सेटल करेंगे। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं क्योंकि कायो की मॉम बड़ी आसानी से विक्टिम कार्ड जो खेल सकती है। सतोरो उन्हें जाता देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी कायो की मॉम को पीछे से कोई पुकारता है जिन्हें सुनकर वो एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो अपनी मॉम को अपने सामने पाती है। एक्चुअली मिस्टर याशिरो कायो की नानी को यहाँ लेके आए होते हैं। कायो की नानी कायो की मॉम से माफी मांगते हुए कहती है कि जब तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ा था तब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, ये सब मेरी गलती है जो मैंने तुमसे कॉन्टेक्ट तक करने का ना सोचा। एक माँ को अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, ये जानते हुए भी मैंने कभी तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं की। इससे कायो की मॉम को अपनी मेमोरीज याद आ जाती है जब उनका हस्बैंड उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा करता था। उनकी मॉम ने उन्हें फोर्स किया कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ले और डिवोर्स लेने के बाद उन्हें अकेले कायो को पालना पड़ा। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कायो को पीटना शुरू कर दिया। वो अपनी मॉम के पास जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद उनकी मॉम उन्हें कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं कायो की कस्टडी लूंगी और मैं ही अब से कायो को पालूंगी। सतोरो मिस्टर याशिरो को थैंक्स कहता है जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि ये सब सतोरो की वजह से ही हो पाया है। सतोरो मन में कहता है कि मुझे अपने पिता के बारे में कुछ याद तो नहीं
नहीं है, लेकिन वो जरूर मिस्टर याशिरो की तरह ही एक नेक इंसान रहे होंगे। अगले सीन में हम कायो और सतोरो को अपनी लास्ट गुड बाय करते देखते हैं और कायो अपनी ग्रैंड माँ के साथ गाड़ी में जाने लगती है। सतोरो भी गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और कुछ देर बाद वो बहुत दूर चले जाती है। सतोरो को बहुत बुरा फील हो रहा होता है, पर साथ ही वो खुश भी था कि अब फाइनली कायो सेफ है। पर सतोरो का मिशन यही पूरा नहीं होता है। कायो तो बच गई, पर हिरोमी सुगीता और आया नाकानिशी को अभी भी जान का खतरा है, क्योंकि किलर का नेक्स्ट टारगेट अब वो होंगे। सतोरो उन्हें भी बचाना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सतोरो के दोस्तों को बातें करते देखते हैं कि कायो की याद में आजकल सतोरो बहुत ज्यादा डिप्रेस सा रहने लगा है। अगले सीन में हम सतोरो को अपने घर में देखते हैं, जहां वो ये सोच रहा होता है कि हिरोमी सुगीता तो हमेशा उसी के साथ होता है, तो वो तो बच भी जाएगा। पर प्रॉब्लम आया नाकानिशी की है, क्योंकि वो दूसरे स्कूल से है। इसके बाद वो अपनी मॉम से कुछ एडवाइस लेता है कि किसी अजनबी के साथ कैसे दोस्ती करें। इसके बाद से सतोरो आया नाकानिशी पर छुप छुप के नजरें बनाए रखता है और उसका डेली शेड्यूल पता करने की कोशिश करता है। एक दिन वो उसका घर पता करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। इससे पहले कि वो उसका घर का पता लगा पाता, तभी उसकी मॉम उसे पुकारती है और उससे सामान घर तक छोड़ने के लिए बोलती है। वो मन में कहता है मॉम को भी अभी आना था। वो दोनों इतना भारी सामान उठा के जा ही रहे होते हैं कि कोई उन्हें पीछे से हॉर्न मारता है। मिस्टर याशिरो भी वहीं से गुजर रहे थे, तो वो उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे देते हैं। सतोरो मिस्टर याशिरो से पूछता है कि क्या वो मैरिड हैं, जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि उन्हें कभी कोई अच्छी सी लड़की मिली ही नहीं। सतोरो उनसे टिप्स मांग रहा होता है कि किसी अननोन लड़की को कैसे अप्रोच करें। तभी वो गाड़ी के डैशबोर्ड के ग्लव बॉक्स में रैपर फंसा देखता है। वो उस रैपर को खींचने लगता है और ये देखे मिस्टर याशिरो एकदम से घबरा जाते हैं और उसे उसको खींचने से मना करते हैं। तब तक सतोरो उसे खींच चुका था, जिससे ग्लव बॉक्स खुल जाता है और उससे ढेर सारी कैंडीज नीचे गिर जाती है। सतोरो ये देखे हैरान हो जाता है। तभी मिस्टर याशिरो उसे कहते हैं तो मतलब वो पकड़े गए। वो कहते हैं कि उन्हें स्मोकिंग छोड़े 3 साल हो गए हैं, तो जब भी उन्हें सिगरेट पीने की तलब मचती है तो वो ये कैंडीज चूस लिया करते हैं, जिससे फिर वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कैंडीज चूसते हैं, तभी अचानक पीछे से किसी का हाथ आता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और सतोरो की मॉम उन्हें कहती है कि उन्हें भी कैंडी खानी है। इसके बाद हम अगले दिन क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां हिरोमी स्कूल के खत्म होने के बाद जाने लगता है। सतोरो उसे 1 मिनट वेट करने को कहता है, क्योंकि उसे भी उसके साथ जाना था। जिस पर कैनिया सतोरो को कहता है ओ तो तुम अब कायो के बाद हिरोमी के बॉडीगार्ड बनोगे। इसके बाद कैनिया सतोरो को कहता है कि उसे 1 मिनट सतोरो से अकेले में कुछ बात करनी है। और इसके बाद कैनिया सतोरो को कहता है कि कायो को सतोरो ने बचा लिया, पर ना जाने वो अब भी इतना परेशान क्यों नजर आता है। वो सतोरो को कहता है कि तुम फिर से अकेले ही सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। कैनिया चाहता था कि सतोरो उससे चीजें शेयर किया करे, ताकि वो भी सतोरो की हेल्प कर सके। अगले सीन में हम सतोरो कैनिया और हिरोमी को उस स्कूल बस के बाहर देखते हैं। सतोरो उन्हें यहाँ लाया था क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या पता यहाँ उन्हें उस किलर का पता लगाने का कोई क्लू मिल जाए। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर उस आदमी का वो बैग नहीं होता जिसके अंदर वियर्ड से सामान थे। शायद वो आदमी उसे यहाँ से ले गया होगा, साथ ही उसने यहाँ से सारे सबूत भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिससे सतोरो के लिए अब किलर का पता लगाना नामुमकिन सा हो गया था। इसके बाद सतोरो उन्हें बताता है कि उसे लगता है वो बैग एक सीरियल किलर का था, जो कि बच्चों का किडनैप कर उनका मर्डर करता है। साथ ही सतोरो उन्हें ये भी बताता है कि उसने कायो का किडनैप केवल इसलिए नहीं किया था कि उसकी मामों से मारा करती थी, बल्कि इसलिए भी किया था क्योंकि वो कायो को उस किलर से बचाना चाहता था। ये सुन के कैनिया और हिरोमी हैरान रह जाते हैं। सतोरो उन्हें कहता है कि मत पूछना ये सब उसे कैसे पता, वो ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसे बस बाकी बच्चों को भी बचाना है। इस पर कैनिया कहता है कि तुम्हारी थ्योरी 99% बेतुकी लग रही है, पर फिर भी वो सतोरो पे विश्वास करते हैं और वो सतोरो का साथ जरूर देंगे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सतोरो कैनिया और हिरोमी को अपने साथ कहीं चलने को कहता है। तभी वहां पर उनके बाकी दो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। बाय द वे, मैंने आप लोगों को इन बाकी के दो लौंडों का नाम ही नहीं बताया। मोटे वाले का नाम काजू था और पतले वाले का नाम उसामू। वो दोनों उन तीनों को अपने साथ हाइड आउट चलने को कहते हैं, पर वो तीनों उन दोनों को मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। काजू और उसामू को उन पर डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों उनका पीछा करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 9 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। 10th एपिसोड को शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लग जाता है। तो अगर आप बेल आइकन दबा के रखेंगे तो जब भी मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि मेरी अगली वीडियो आ चुकी है। एपिसोड 10 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों आया नाकानिशी से दोस्ती करने जाते हैं। आया नाकानिशी उन्हें कहती है कि तुम सब तो वही हो ना जो अक्सर उस पुरानी बिल्डिंग में जाया करते हैं। ये सुनके उन तीनों के चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पुरानी बिल्डिंग तो उनका खुफिया हाइडआउट है, पर ये तो इवन किसी ऐसे इंसान को भी पता है जिसे वो पहली बार मिल रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि काजू और उसामू भी छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। आया नाकानिशी उनकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम लड़के ही ऐसे बच्चों वाली हाइडआउट गेम खेला करते हैं, जिस पर वो तीनों भड़क जाते हैं कि वो बच्चे नहीं है और हाइडआउट होना बहुत
कूल होता है इसके बाद आया उन पर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने काजू आ जाता है और पूरे जोश के साथ आया को कहता है कि हाइड आउट एक नीडर आदमी का प्रतीक है, जिस पर हिरोमी, सतोरू और केनिया बहुत एम्बेरस हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। और आया भी उसे देख के बहुत एम्बेरस हो जाती है और कहती है तुम सभी एक नंबर के कार्टून हो, और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब वो सभी हाइड आउट में होते हैं, जहाँ सतोरू मन में कह रहा होता है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन तो आया नाकानिशी पर बेकार गया, पर उसे किसी भी तरह उसे दोस्ती करनी होगी। तभी अचानक वहाँ पे आया नाकानिशी आ जाती है और उन्हें कहती है कि उसे भी हाइड आउट देखने का मन हो रहा था। ये देखे सभी हैरान रह जाते हैं कि उनका शिकार तो खुद ही चलकर उनके पास आ गया। लड़कियां भी ना कहती क्या है और करती ही है, इन्हें समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद वो यहाँ बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन स्कूल से काजू जल्दी जल्दी में आया से मिलने जा रहा होता है, जिस पर उसके बागी दोस्त कहते हैं लगता है काजू आया को लाइक करता है। सातोरू भी सोचता है कि अब से क्योंकि काजू ज्यादातर आया के साथ रहेगा तो उन्हें अब आया की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हिरोमी भी कैनी और सातोरू को थैंक्स कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स काम की वजह से हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं, तो वो अक्सर घर में अकेला हो जाया करता था, लेकिन अब वो अकेलापन महसूस नहीं करता। इसके बाद से वो सभी डेली हाइड आउट जाया करते हैं जहाँ वो खूब मस्ती करते हैं। सातोरू मन में कहता है कि अब तो बहुत समय गुजर चुका है और हिरोमी, कायो और आया अभी तक जिंदा है, अब शायद किलर ने इनसे अपनी नजरें हटा ली है। पर अभी एक आखिरी काम बाकी था जो कि था किलर का पता लगाना, पर कैसे, किलर ने कोई क्लियो भी तो नहीं छोड़े हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हिरोमी नोटिस करता है कि आजकल मिसातो बहुत अकेली हो गई है, तो वो ये जाके सतोरू को बताता है, दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं कि मिसातो वही है जिसने कायो पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया था। और सतोरू के उस पर भड़कने के बाद से सब यही सोचते हैं कि वो पैसे मिसातो ने ही कायो के बैग में डाले थे, जिसकी वजह से अब कोई भी उससे बात नहीं करता और वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि सतोरू मिसातो से बात करना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो शुरुआत कैसे करे। इससे पहले कि वो मिसातो से बात कर पाता, मिसातो बस में चली जाती है। तभी वहाँ पर सतोरू के बाकी फ्रेंड्स भी आते हैं और हिरोमी से उसे पता चलता है कि मिसातो आइस हॉकी मैच देखने गई है। सतोरू भी वहीं चला जाता है और देखता है कि मिसातो वहाँ पर एकदम अकेली पड़ी होती है। सतोरू मन में कहता है कि मिसातो तो किलर के लिए कितना आसान टारगेट है, वो मिसातो को ऐसे अकेले रहने नहीं देगा। तभी वो देखता है कि मिसातो कहीं जा रही होती है। सतोरू उसका पीछा करता है और देखता है कि वो वॉशरूम गई है, बहुत देर हो गई होती है पर मिसातो बाहर नहीं आई होती, तो सतोरू को टेंशन होने लगती है और वो चुपके से गर्ल्स के वॉशरूम में झांकने लगता है। तभी वहाँ पर होम रूम टीचर मिस्टर याशिरो आ जाते हैं और सतोरू को देख के कहते हैं कि वो ये क्या कर रहा था, जिस पर सतोरू घबरा जाता है और उन्हें कहता है कि मिसातो अंदर गई हुई है और अभी तक बाहर नहीं आई, तो वो बस उसका वेट कर रहा था। सतोरू देखता है कि पीछे भी एक रास्ता है जहाँ से अभी अभी मिस्टर याशिरो आए, कहीं जब वो टाइम देख रहा था तो मिसातो वहाँ से चली तो नहीं गई। तभी वो देखता है कि उसी वक्त नीचे से यूकी के डैड का ट्रक जा रहा होता है। सतोरू को ऐसा लगता है कि कहीं इस ट्रक के अंदर किलर तो नहीं और वो कहीं मिसातो का किडनैप कर उसे ले जा रहा हो। वो मिस्टर याशिरो को उस ट्रक का पीछा करने को कहता है और अगले सीन में हम उन दोनों को उस ट्रक का पीछा करते हुए देखते हैं, जहाँ सतोरू मिस्टर याशिरो को बताता है कि वो आजकल एक किडनैपर और डिटेक्टिव वाली गेम खेल रहे हैं, जहाँ वो ये अज्यूम करते हैं कि शहर में एक किडनैपर घूम रहा है जो अकेली लड़कियों का किडनैप करता है, तो वो ऐसी लड़कियों से दोस्ती करते हैं जिससे उनके किडनैप होने के चांसेस कम हो जाएं, और क्या पता इस खेल खेल में सच में किसी लड़की का भला हो जाए, और इसीलिए वो मिसातो से भी दोस्ती करना चाहता है। जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं अरे बाप रे, भले ही ये एक गेम है पर आइडिया बड़ा अच्छा है। इसके बाद मिस्टर याशिरो सतोरू को सीट बेल्ट बांधने को बोलते हैं और सतोरू सीट बेल्ट लगा लेता है। इसके बाद मिस्टर याशिरो सतोरू से जिंदगी के बारे में कुछ बैगी बैगी बातें करने लगते हैं और साथ ही कहते हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में किसी के करीब आने की कोशिश की जिसके लिए उन्होंने कभी कभी डायरेक्ट अप्रोच किया, कभी कभी उन्हें पीछे हटना पड़ा और कभी कभी उन्हें धोखेबाजी भी करनी पड़ी, लेकिन उन्हें मजा बहुत आया। सतोरू मन में कहता है कि आज मिस्टर याशिरो ये कैसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद सतोरू कैंडी निकालने के लिए ग्लास बॉक्स खोलता है पर आज वहाँ पर कैंडीज नहीं होती। मिस्टर याशिरो कहते हैं कि आज उसे यहाँ पर कोई कैंडी नहीं मिलने वाली, वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी उनकी है ही नहीं। और सतोरू धीरे से मिस्टर याशिरो की तरफ अपना सर घुमाता है और देखता है कि मिस्टर याशिरो बहुत ही इविल लाफ दे रहे होते हैं और सतोरू देखता है कि ग्लास बॉक्स के अंदर तो कॉन्स्टिपेशन की पिल्स होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी मिस्टर याशिरो से कहते हैं सतोरू तुमने थोड़ी देर पहले झूठ कहा, तुमने कहा था कि तुम किसी किडनैपर के होने का नाटक कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि हकीकत में एक किडनैपर है और तुम उसे पकड़ना चाहते हो। इसके बाद वो अपनी कार ट्रक से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं और सतोरू को कहते हैं कि फिकर मत करो, उस ट्रक में कोई किडनैपर नहीं बल्कि खुद यूकी के पापा हैं और मिसातो भी वॉशरूम में सेफ है, चिंता करनी है तो अपनी करो। ये सुनकर सतोरू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद मिस्टर याशिरो से कहते हैं कि मैंने पहले कायो को अकेला देख किडनैप करने का सोचा पर तुमने उससे दोस्ती कर ली, फिर मैंने आया नाकानिशी का किडनैप करने का सोचा पर उससे पहले ही तुमने उससे भी दोस्ती कर दी जबकि वो तुम्हारे स्कूल की थी भी नहीं, मुझे तभी से तुम पर शक हो गया था कि ये सब केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने ये कंफर्म करने के लिए एक प्लान बनाया, मैंने देखा कि मिसातो को कोई भाव नहीं दिया करता था तो मैंने उसे हॉकी मैच देखने के लिए इन्वाइट किया, उसके बाद मैंने हिरोमी को ये जानकारी दी ताकि वो तुम्हें दे दे, अगर तुम हॉकी स्टेडियम आए तो मेरा शक सही हो जाता कि तुम लड़कियों को किडनैप होने से बचा रहे हो, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो मिसातो से दोस्ती करने और नजर रखने हॉकी स्टेडियम आए, मैंने पहले से ही मिसातो की ड्रिंक में पिल मिला के खिला रखी थी जिसकी वजह से उसे
सब वॉशरूम जाना पड़ा, तो उसके पीछे पे जब वॉशरूम आए, मैंने जुन शिरातोरी की डैड के यहाँ से खाना ऑर्डर किया था और जैसा उन्होंने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग सारी टाइमिंग मैच हुई और तुम मेरे प्लान में फंस गए। सतोरू अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, मैंने फिर भी मिस्टर याशिरो पर इतना भरोसा किया, मेरा टीचर ही वो किलर था। इसके बाद मिस्टर याशिरो उसे एक सुनसान सी जगह पे ले जाते हैं जहाँ सामने ठंडे बर्फीले पानी से भरी एक लेक थी। सतोरू सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलती। मिस्टर याशिरो से कहते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बच्चे ने मेरा एक एक प्लान जान लिया और उसे एक एक करके फेल कर दिया। साथ ही वो सतोरू को कहते हैं कि मुझे लगता है जैसा तुम फ्यूचर देख सकते हो। खैर जो भी है, नाउ गेम इज ओवर। सतोरू गुस्से से कहता है कि मैं तुझे जब तक फांसी के फंदे में नहीं लटका देता तब तक मैं नहीं मरूंगा। और इसके बाद मिस्टर याशिरो कार से बाहर चले जाते हैं और कार सीधा जाके उस ठंडी बर्फीली लेक में घुस जाती है। देखते ही देखते पानी अंदर भरने लगता है और मिस्टर याशिरो वहां से जाने लगते हैं। और तभी सतोरू चीखते हुए कहता है कि याशिरो मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूं। और इसके बाद पानी पूरी तरह गाड़ी में भर जाता है और सतोरू अपने फ्यूचर की मेमोरीज डिस्ट्रॉय होते देखता है जैसे उसका फ्यूचर अब खत्म हो रहा हो और सतोरू की सांसें थम जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 10 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 के फर्स्ट सीन में हम मिस्टर याशिरो की यादों को देखते हैं। जब मिस्टर याशिरो 6th स्टैंडर्ड में थे तब उनकी एक फ्रेंड ने दो हैमस्टर्स खरीदे। कुछ समय बाद उन दो हैमस्टर्स के बच्चे हुए और अब वो इतने हैमस्टर्स अपने पास नहीं रख सकती थी, तो मिस्टर याशिरो ने उन हैमस्टर्स की देखभाल करने के लिए हाँ कह दिया। घर आके उन्होंने उन हैमस्टर्स को पानी में डुबो दिया। 3 घंटे बाद जब वो अपने रूम में वापस आए तब सभी हैमस्टर्स पानी में डूब के मर चुके थे, पर एक हैमस्टर अभी भी जिंदा था। वो हैमस्टर जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथी हैमस्टर की बॉडी पर चढ़ा हुआ था। मिस्टर याशिरो को ये हैमस्टर बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपना पेट रख लिया और उसे स्पाइस नाम दिया। इस हैमस्टर को देख के उन्हें वो मकड़ी के जाले वाली सूरी याद आ गई। एक बार की बात है, कंदाता नाम का एक पापी इंसान नरक में सड़ रहा था। उसने एक बार मकड़ी की जान बचाई थी, इससे खुश होकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से नीचे नरक तक एक मकड़ी का जाला लटका दिया जिससे वो स्वर्ग में आ सके। कंदाता ने उस मकड़ी के जाले पर चढ़ना शुरू कर दिया, पर जब बाकी पापियों ने भी उसमें चढ़ने की कोशिश की तो उसने उन्हें लात मार के गिरा दिया। ये देखकर भगवान ने वो जाला तोड़ दिया और वो वापस नीचे नरक में गिर गया। उस हैमस्टर को पालने के बाद से मिस्टर याशिरो को भी सबके सर में वो मकड़ी का जाला दिखने लगा था और मिस्टर याशिरो ने एक एक करके उन जाले से बंधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर एक दिन एक लड़के ने उनके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और फिर उस लड़के के सर पर भी उन्हें वही जाला दिखने लगा, लेकिन वो तब भी नहीं मरा। उन्होंने फिर उसका नाम स्पाइस रख दिया और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। यानी कि दोस्तों इसका मतलब सतोरू अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सतोरू की मॉम को देखते हैं जो कि रो रही होती है और उनके सामने हम सतोरू को बेड पे पड़ा देखते हैं। गाइस ये सन 2003 होता है और सतोरू अब 26 साल का हो गया होता है। वो पिछले 15 साल से कोमा में था और अब जाके उसे होश आया होता है। उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ सतोरू हल्का हल्का बोलने भी लग जाता है, पर उसकी बॉडी अभी भी वीक होती है और वो चल फिर नहीं सकता। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मॉम ने पिछले 15 साल से रोज 4-4 घंटे सतोरू की एक्सरसाइज करने में लगाए हैं, तभी आज वो इतनी अच्छी शेप में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उससे पूछते हैं कि बेहोश होने से पहले सतोरू को आखिर कौन सी बात याद है। सतोरू बहुत सोचने की कोशिश करता है पर उसकी सारी यादें जैसे धुंधली सी हो गई होती है, उसे अब कुछ भी याद नहीं होता। सतोरू मन में कहता है कि वो 15 साल से सो रहा था, अब जाके उसकी आंखें खुली है, पर उसे फिर भी कुछ नया नहीं लग रहा था। वो एक बुक रीड कर रहा होता है और नोटिस करता है कि उसे मुश्किल मुश्किल शब्दों के बारे में भी पता होता है, पर उसने ये सब कब पढ़े। उसका दिमाग तो 11 साल के बच्चे वाला होना चाहिए, किसी 11 साल वाले बच्चे ने ये सब चीजें कहां पढ़ी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सतोरू से उसके बचपन के दोस्त कैनिया और हिरोमी उससे मिलने आए होते हैं। सतोरू को वो याद होते हैं, वो उन्हें देख के खुश हो जाता है। कैनिया अब एक लॉयर बन चुका था और हिरोमी एक डॉक्टर। वो तीनों घंटों बातें करते हैं। सतोरू को ऐसा लगता है जैसे कैनिया उसे कुछ पूछना चाहता था, पर शायद कैनिया को मॉम ने मना कर रखा था, तो शायद इसलिए कैनिया सतोरू से खुलकर बात ना कर सका। एक्चुअली सतोरू की मॉम ने पास से रिलेटेड कोई भी बात सतोरू से करने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि अभी तो वो होश में आया है, तो वो नहीं चाहते थे कि सतोरू अपने दिमाग में इतना जोर डाले। इसके बाद हम देखते हैं कि सतोरू चलने की प्रैक्टिस करने लगता है पर वो अभी भी ठीक से चल नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो व्हीलचेयर पे बैठा होता है, तभी वहां पर उससे कोई मिलने आता है और उसे देख के सतोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि कायो होती है। कायो की हिरोमी से शादी हो चुकी होती है और उसका एक छोटा सा बेबी भी होता है। सतोरू कायो को कांग्रेचुलेशंस कहता है। इसके बाद कायो सतोरू को कहती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं पर सतोरू नहीं। साथ ही वो कहती है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सतोरू की ये हालत उनकी वजह से ही हुई है, जिस पर सतोरू कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी किस्मत थी, कायो को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद कायो कहती है कि पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी, पर अब उसके पास खुद का परिवार है, ये सिर्फ सतोरू की वजह से ही हो पाया है। इसके बाद कायो सतोरू को थैंक यू कहती है। ये सुनकर सतोरू सोच में पड़ जाता है कि उसने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से कायो उसे थैंक यू कह रही है। तभी कायो का बेबी रोने लगता है और सतोरू अपना हाथ उसके हाथ से टच करता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी कायो ने सतोरू के साथ किया था, और बच्चा चुप हो जाता है। अगले सीन में हम सतोरू को अकेले में कायो और उसके बेबी का स्केच बनाते देखते हैं। तभी वहां पर सतोरू की मॉम और डॉक्टर आते हैं और सतोरू उन्हें कहता है कि वो फिर से चलना चाहता है, इसके लिए वो अब से एक्सरसाइज करने में डबल मेहनत किया करेगा, जिस पर
डॉक्टर राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सतोरु डेली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगता है ताकि वो फिर से एक दिन ठीक से चल पाए। उसी दौरान उसकी नजर एक 9 साल की छोटी बच्ची पे पड़ती है जिसका नाम कोमी था और उसे कैंसर था। वो रोज सतोरु को एक्सरसाइज करते देखा करती थी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि केनिया और माकोतो रिपोर्टर सतोरु से मिलने आए हैं पर सतोरु माकोतो को पहचान नहीं पाता। अगले सीन में हम सतोरु और कोमी को बातें करते देखते हैं जहाँ कोमी बताती है कि कुछ दिनों बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसे बहुत डर लग रहा है, जिसमें सतोरु कोमी को बताता है कि जब भी उसे डर लगे और उसे हिम्मत चाहिए हो तो किसी अपने का मुस्कुराता चेहरा याद करो, तुम्हें अपने आप हिम्मत आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि कुछ फोटोग्राफर्स छुप छुप के सतोरु के फोटोज ले रहे होते हैं। एक्चुअली सतोरु 15 साल बाद कोमा से उठा था तो वो आजकल इस वजह से सेलिब्रिटी टाइप बन गया है। लोग जबरदस्ती उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसके बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तभी वहाँ पर कोई आदमी आके उनका कैमरा ले लेता है और उन्हें यहाँ से भगा देता है। वो आदमी सतोरु के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका नाम मिस्टर निशिजोनो है। दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं, ये नाम हमने पहले भी सुन रखा है। सतोरु के अरेस्ट होने से पहले कातागिरी ने सतोरु को इस आदमी का नाम बताया था और साथ ही कहा था कि आदमी काउंसिल मेंबर है और कातागिरी को इस आदमी पर शक है क्योंकि ये अक्सर पिज्जा शॉप में आया करता था। मिस्टर निशिजोनो सतोरु को कहते हैं कि क्या उसने उन्हें पहचाना। इसके बाद वो अपनी हैट और ग्लासेस निकाल के कहते हैं कि उनका असली नाम मिस्टर याशिरो है और वो 5th ग्रेड में सतोरु के क्लास टीचर हुआ करते थे। इसके बाद हमको उनकी बातों से पता चलता है कि 5 साल पहले शादी करती बार उन्होंने अपना नाम बदल दिया। उनके फादर इन लॉ काउंसिल मेंबर थे पर उनके मरने के बाद मिस्टर याशिरो को उनकी जगह मिल गई और वो भी काउंसिल मेंबर बन गए। दोस्तों अब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं मिस्टर निशिजोनो को मिस्टर याशिरो कह के ही पुकारूंगा। साथ ही मिस्टर याशिरो सतोरु को कहते हैं कि उन्होंने पिछले 15 साल से सतोरु के जागने का वेट किया है। सतोरु कहता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। इसके बाद कुछ और दिन इसी तरह बीतते हैं और कोमी के ऑपरेशन का दिन आ गया होता है तो सतोरु कोमी से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में उसे मिस्टर याशिरो मिलते हैं और वो सतोरु को बताते हैं कि कोमी सो गई है। सतोरु मिस्टर याशिरो को कहता है कि वो अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहता है, जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि उन्हें बात करने के लिए एक अच्छी जगह पता है और वो उसे व्हीलचेयर में कहीं ले जाने लगते हैं। वो अपने ग्लव्स वाले हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाके सतोरु को टेरेस वाले फ्लोर का बटन दबाने को कहते हैं। टेरेस में पहुंचकर सतोरु मिस्टर याशिरो को कहता है, याशिरो कुत्ते मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एनिमे के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 12 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सतोरु ने कायो के बेबी के साथ हाथ मिलाया था उसे वैसे ही अचानक अपनी सारी यादें वापस आ गई। इसके बाद केनिया और हिरोमी सतोरु से मिलने आए जहां सतोरु को उनसे पता चला कि मिसातो भी सतोरु से मिलने आने वाली है, जिस पर सतोरु हैरान होकर कहता है कि उसे तो लगता था कि मिसातो उससे नफरत करती है क्योंकि उसी की वजह से मिसातो अकेली पड़ गई थी। जिस पर केनिया सतोरु को बताता है कि जब सतोरु कोमा में चला गया था तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन इकट्ठा करने वाली मिसातो ही थी। ये सुनकर सतोरु को विश्वास नहीं होता और मुस्कुराने लग जाता है। तभी केनिया सतोरु को कहता है कि क्या उसे पता चल गया कि किलर कौन है और अचानक सतोरु के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जिससे केनिया समझ जाता है तो मतलब सतोरु की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो सतोरु से पूछते हैं कि जब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी तो उसने उन्हें क्यों नहीं बताया, जिस पर सतोरु कहता है कि वो उन्हें इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। 15 साल बीत चुके हैं और अब तक सभी सबूत नष्ट हो चुके होंगे तो कोई भी उसका बात का विश्वास नहीं करता, जिस पर केनिया कहता है कि वो सतोरु पे विश्वास करते हैं। सतोरु इस बार भी फिर से अकेले ही सुपर हीरो बनना चाहता है पर वो ये जंग सतोरु को अकेले नहीं लड़ने देंगे, वो उसकी हेल्प करेंगे जैसे पहले भी किया करते थे। साथ ही केनिया सतोरु को कहता है कि जब तक कोई एक भी तुम पर विश्वास करता है तब तक तुम कभी अकेले नहीं होते। ये लाइन सुनते ही सतोरु को कातागिरी की याद आ जाती है क्योंकि वो भी यही कहा करती थी। और सतोरु उनसे हाथ मिलाता है और उन्हें बताता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर याशिरो है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह सतोरु अपनी मॉम को कहता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, जिस पर सतोरु की मॉम उसे कहती है कि उन्हें लगा ही था कि कायो से मिलकर सतोरु की याददाश्त वापस आ गई होगी। और हम देखते हैं कि सतोरु की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सतोरु को कहते हैं कि 15 साल पहले सतोरु छोटा बच्चा था और अब वो 15 साल बाद उठा है और उनका वो प्यारा बच्चा बड़ा हो गया है। इसके बाद हम मिस्टर याशिरो और सतोरु को वहीं टेरेस पे देखते हैं जहाँ मिस्टर याशिरो सतोरु की याददाश्त वापस आ गई है सुन के खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि 15 साल पहले सतोरु ने उनके सारे प्लान्स मिट्टी में मिला दिए थे, किसी भी बच्चे के लिए कर पाना नामुमकिन सा था। और हम देखते हैं कि उस रात मिस्टर याशिरो कायो का मर्डर करने के इरादे से स्टोर रूम में गए पर उस दिन कायो वहाँ नहीं थी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वहाँ पर एक बॉक्स में बहुत जोर से किक मारी पर वो इस बात से अनजान थे कि उनका शिकार कायो तो उन्हीं के बिल में छुपी हुई थी। इसके बाद उन्होंने आया नाकानिशी का मर्डर करने का सोचा और जब वो उसका मर्डर करने गए तो सतोरु उसी का पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसका भी मर्डर नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सतोरु ने भविष्य देख रखा हो। मिस्टर याशिरो सतोरु को कहते हैं कि कैसे सतोरु को कैसे पता था कि वो क्या करने वाले हैं। डूबने से पहले भी सतोरु ने चीख के कहा था कि वो फ्यूचर देख सकता है, इसका क्या मतलब था, जिस पर सतोरु याशिरो को कहता है इसका जवाब मिलते ही याशिरो उसे मारने वाला है ना। और मिस्टर याशिरो समझ जाते हैं कि सतोरु उनसे उनका गुनाह उगलवाना चाहता है, शायद उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी हुई है या उसने
किसी को कॉल करके रखा है। वो सातोरू से उसका फोन मांगते हैं और देखते हैं कि सातोरू तो किसी के साथ कॉल पे होता है। वो कॉल कट करते हैं और कहते हैं कि 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसका कोई भी सबूत नहीं बचा है और वैसे भी सातोरू की वजह से वो अपराध कभी हो ही नहीं पाए, तो उन्हें फंसाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी वो सातोरू को दिखाते हैं कि अभी अभी कोमी ने सातोरू को एक मैसेज भेजा है जिसमें कोमी ने सातोरू को उसकी मेडिसिन लाने के लिए थैंक यू लिख रखा था। मिस्टर याशिरो बताते हैं कि उन्होंने उसमें जानलेवा ड्रग्स मिला के रखे हैं और उसमें सातोरू के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं, यानी कि उसके ऑपरेशन होने से पहले ही वो मर जाएगी और सारा इल्जाम सातोरू पे आएगा। जिस पर सातोरू उनकी बात पूरी करते हुए कहता है और गिल्ट में आके सातोरू ने छत से छलांग लगा के सुसाइड कर ली है ना। ये सुनकर मिस्टर याशिरो सातोरू को कहते हैं कि सातोरू तो आजकल दिमाग भी पड़ने लग गया है। साथ ही वो कहते हैं कि सातोरू अपनी जान तो नहीं बचा सकता लेकिन कोमी की जान जरूर बचा सकता है उन्हें सब सच सच बता के। जिस पर सातोरू कहता है कि अगर उसने सब बता भी दिया तो अभी याशिरो कोमी को नहीं छोड़ेगा। जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं बहुत हुआ, सातोरू कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, ये सब बस एक इत्तेफाक था, सातोरू बस उन्हें गुमराह कर रहा है। इसके बाद वो सातोरू के फोन से सातोरू की मॉम को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें उन्होंने सातोरू बन के लिख रखा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद सातोरू कहता है कि उसके पैदा होते ही उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे, इसलिए उसे याद भी नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। लेकिन जब भी सातोरू याशिरो को देखा करता था तो सातोरू को उनमें अपने पापा दिखा करते थे। याशिरो सातोरू का फादर फिगर था। साथ ही वो कहता है कि याशिरो ने उनके अधूरे हिस्से को पूरा किया। जिस पर मिस्टर याशिरो से कहते हैं कि 15 साल से वो भी सातोरू के जागने का इंतजार कर रहे थे। तभी सातोरू उन्हें कहता है तो अब आगे क्या होगा, ये खेल कैसे खत्म होगा। जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं खेल तो कब का खत्म। तभी सातोरू कहता है कि उसे लगता है कि वो जीत गया। कायोहिनाजुकी, आयाना कानिशी, हिरोमी सुगीता और युकी और सातोरू ने सबको याशिरो से बचा लिया और इवन तक की अपनी मॉम को भी जिन्हें याशिरो भविष्य में मारने वाला था। ये सुनकर मिस्टर याशिरो दंग रह जाते हैं और सातोरू को कहते हैं कि भला वो क्यों सातोरू की मॉम को मारेंगे। जिस पर सातोरू कहता है कि वो याशिरो के भविष्य तक के प्लान्स जानता था, इसी वजह से वो सबको बचा पाया, इसीलिए याशिरो अपना एक भी प्लान पूरा नहीं कर पाया, इवन तक याशिरो सातोरू को भी नहीं मार सका। जिस पर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि वो सातोरू को किसी भी पल मार सकते थे, इवन अभी भी मार सकते हैं। इस पर सातोरू कहता है पर इसके विपरीत याशिरो ने तो उसको जीने दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि याशिरो को उसकी जरूरत है, याशिरो की जीने की वजह ही अब सातोरू है। साथ ही सातोरू कहता है वो याशिरो की जिंदगी का अधूरा हिस्सा है। इस पर याशिरो गुस्से से चलाते हुए कहता है कि गलत गलत ये सब बकवास है। सातोरू कहता है कि तब भी वही जीता था और अब भी वही जीतेगा। इसके बाद सातोरू याशिरो को धक्का मारता है और अपनी व्हीलचेयर भगाता हुआ सीधा टेरेस से गिर के सुसाइड करने जा रहा होता है। ये देखे याशिरो घबरा जाते हैं और अगले पल हम सातोरू को ऊपर से नीचे गिरता देखते हैं, पर इससे पहले कि वो गिर पाता मिस्टर याशिरो उसकी व्हीलचेयर पकड़कर उसे बचा लेते हैं। सातोरू याशिरो को कहता है कि 15 साल बहुत होते हैं है ना। सातोरू के लिए वो 15 साल तो बस एक ही पल में गुजर गए, पर याशिरो के लिए वो 15 साल जैसे सैकड़ों साल बराबर रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर याशिरो इन 15 सालों में रोज सातोरू को देखने हॉस्पिटल आया करते थे। वो उसे मारना चाहते थे पर नहीं मार पा रहे थे क्योंकि उन्हें जीने की एक नई वजह मिली थी और अगर वो सातोरू को मार देते तो उनकी ये वजह खत्म हो जाती। सातोरू कहता है याशिरो ने उसके फ्रेंड्स और उसकी मॉम का कत्ल किया था, पर इसके बाद भी वो याशिरो से नफरत नहीं करता है और हम देखते हैं कि याशिरो के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू होते हैं। वो सातोरू को कहते हैं कि सातोरू सच कह रहा है, वो सातोरू के बिना नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो व्हीलचेयर छोड़ देते हैं और सातोरू सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद मिस्टर याशिरो भी छत से कूदकर सुसाइड करने लगते हैं। वो छलांग लगाने ही वाले थे कि तभी नीचे का नजारा देखे हैरान रह जाते हैं क्योंकि सातोरू तो जिंदा होता है, वो एक एयर कुशन में होता है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स उसकी मॉम और माकोटो होते हैं, यानी कि ये सब उनका एक प्लान था। वो याशिरो को सातोरू के मर्डर करने की कोशिश में फंसाना चाहते थे। सातोरू याशिरो को आंख मारता है और याशिरो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ से पीछे हट जाते हैं और नीचे बारिश में अपने रिफ्लेक्शन देखते हैं जहाँ वो अपने सर पर भी वही मकड़ी का जाला देखते हैं। वो खुश हो जाते हैं और फिर सरेंडर कर देते हैं। उन्हें सातोरू पर जानलेवा हमला करने के सिलसिले में अरेस्ट किया गया था। सातोरू कोमी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि कोमी भी सेफ है और बहुत ही जल्द उसका ऑपरेशन होने वाला है। इसके बाद सातोरू कहता है कि अगर तुम सच में किसी पे विश्वास करते हो तो तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम विश्वास दिलाने की कोशिश वही करते हो जहाँ शक की गुंजाइश होती है। गाइस ये जो लाइन सातोरू ने अभी कही है ये बहुत डीप है, इसे समझने की थोड़ी कोशिश करना। इसके बहुत समय बाद हम देखते हैं कि सातोरू अब एक बहुत ही फेमस मांगा राइटर बन गया होता है जिसकी लास्ट कुछ एनिमे बहुत ही ब्लॉकबस्टर्स गई होती है और साथ ही हमें पता चलता है कि उस दिन के बाद से फिर कभी सातोरू को रिवाइवल नहीं हुआ। फिर वो एक दिन युकी से मिलने जाता है जो कि अब शादीशुदा आदमी था। फिर वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ उसके सभी दोस्त आए होते हैं और तभी वहाँ पे मिसातो भी आती है। जी हाँ वही मिसातो, वो भी अब बहुत बड़ी और खूबसूरत हो गई होती है। उसे देख के सातोरू ब्लश करने लग जाता है। फिर वो एक दिन शहर में उसी ब्रिज के नीचे जाता है जहाँ वो तब आया करता था जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। उस जगह को देख के उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। बाय द वे अब इस वाली टाइमलाइन में वो घटना कभी हुई नहीं होती है क्योंकि सातोरू ने अपना सारा फ्यूचर जो बदल दिया है, पर उसकी यादों में अभी भी सब वैसे का वैसा ही होता है। बाहर बर्फ पड़ रही होती है तो बर्फ से बचने के लिए एक लड़की उस ब्रिज के नीचे आती है और सातोरू को कहती है कि क्या वो यहाँ शेल्टर ले सकती है, और उसे देख के सातोरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि आयरी कातागिरी होती है। जी हाँ उसकी वही कलीग। सातोरू तो कातागिरी को अच्छे से जानता था पर कातागिरी के लिए सातोरू एक अजनबी था क्योंकि वो तो सातोरू से कभी मिली ही नहीं थी। वो सातोरू की आंख में आंसू देख के कंफ्यूज हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 12
वाला भी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपको एंडिंग कुछ खास समझ नहीं आई, तो टेंशन मत लो, मैं किस लिए हूँ। बाय द वे, इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को इसकी एंडिंग ठीक ठाक लगी और कुछ लोगों को इसकी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। खैर, अब शुरुआत करते हैं इसकी एंडिंग की एक्सप्लेनेशन की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये एनीमे असल में एक मांगा है। एक्चुअली हुआ क्या, मांगा में इरेज के 44 चैप्टर्स हैं और एनीमे वालों ने पूरी मांगा की कहानी को सिर्फ 12 एपिसोड्स में पोर्ट्रेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सी बातें कट करनी पड़ी। आप लोगों को बता दूं कि शुरू से एंड तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मांगा में तो है, पर वो चीजें हमें एनीमे में देखने को नहीं मिलती। बहुत से सीन्स ऐसे भी हैं जो एनीमे और मांगा में अलग तरीके से बताए गए हैं। इन्हीं चीजों की वजह से आपको बहुत सी बातें अभी पता नहीं है, तो आपको ये एंडिंग ठीक से समझ नहीं आई होगी। साथ ही हुआ क्या, जिस वक्त इस एनीमे का एंड बनाने को आ गया था, उस वक्त तक इसकी मांगा की स्टोरी चली रही थी, वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। अब एनीमे वालों पर तो प्रेशर था कि उन्हें सही समय में लास्ट एपिसोड्स पब्लिश करने हैं, तो उन्होंने खुद से एक अल्टरनेट एंडिंग लिख ली। यानी कि दोस्तों, एपिसोड 10 तक तो सब लगभग मांगा की स्टोरी की तरह ही चल रहा था, पर एपिसोड 11 और 12 मांगा की स्टोरी से डिफरेंट हो गया। एनीमे के एंड में और मांगा के एंड में हमें अलग अलग एंडिंग्स देखने को मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी एनीमे में और मांगा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे ज्यादा डिमांड आई तो मैं जरूर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलो बात करते हैं कि ये आखिर कहानी में आखिर हुआ क्या। मिस्टर याशिरो आखिर क्यों बच्चों का मर्डर किया करते थे और लास्ट में वो क्यों सतोरो के साथ खुद की भी जान देना चाहते थे? तो इसे मैं सिर्फ एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, सीधी बात, मिस्टर याशिरो साइको था। चलो, हो गई आज की एक्सप्लेनेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। क्या ऐसे ही देख रहे हो? अरे सच में हो गई आज की एक्सप्लेनेशन? क्या मतलब ऐसे कैसे हो गई? अच्छा, तो आपका अभी तक मन नहीं भरा, ठीक है, कर लो अपना और टाइम वेस्ट। और सुनो, ये चीज समझने के लिए आपको मिस्टर याशिरो के पास के बारे में जानना पड़ेगा, जो एनीमे में तो ठीक से नहीं बताया है, पर मांगा में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। दोस्तों, मिस्टर याशिरो जब छोटे थे तो उन्हें मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्हें लोगों का किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होता है ये जानने में बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरियत से भरने लगी। उनकी फेवरेट बुक का नाम था द स्पाइडर्स थ्रेड। दोस्तों, ये वही स्टोरी है जो हमें एनीमे में भी सुनने को मिली थी, जिसमें कांदाता नाम का पापी मकड़ी के जाले से नरक से स्वर्ग की तरफ जा रहा होता है, पर वो बाकी पापियों को अपने साथ स्वर्ग में जाने नहीं देना चाहता था, तो वो उन्हें मारने लगा, जिसकी वजह से वो जाला टूट गया और कांदाता वापस नरक में गिर गया। दोस्तों, याशिरो का एक बड़ा भाई भी था जो उसे बहुत मारा करता था। जब याशिरो 5th स्टैंडर्ड में हुआ तो उसके भाई ने उसे अपने गलत कामों में साथ देने के लिए मजबूर किया। याशिरो अपने स्कूल की लड़कियों को बहला फुसला कर किसी तरह अपने घर के स्टोर रूम में ला लिया करता था, और फिर अंदर याशिरो का भाई उन लड़कियों का रेप किया करता था, और उसने याशिरो को स्टोर रूम के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा रखा था कि कहीं उनकी मॉम उस समय स्टोर रूम ना आ जाए। सतोरो के भाई को अच्छे से पता था कि याशिरो मनोविज्ञान में बड़ा तेज है, वो किसी को भी अपने शब्दों से बहला फुसला सकता है। इसलिए इस सब के बाद उन लड़कियों को दिलासा देने का काम याशिरो का होता था, ताकि वो इसके बारे में चुप रहें और किसी को बता ना दें। और इसी तरह हर महीने याशिरो का भाई याशिरो की मदद से ना जाने कितनी यंग लड़कियों का शिकार किया करता था, और इस काम में याशिरो को भी मजा आने लगा था, क्योंकि उसकी बोरियत भरी जिंदगी में इसकी वजह से कुछ थ्रिल आ गया था। इसी बीच सतोरो की एक फ्रेंड ने उसे हैमस्टर्स दिए। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको पता ही है उसने क्या किया। उसने उन हैमस्टर को पानी में डुबो दिया, पर एक हैमस्टर अपने साथी हैमस्टर की बॉडी पर चढ़ के सरवाइव कर गया। ये देखे याशिरो को बहुत ज्यादा मजा आया, इसलिए उसने उस हैमस्टर को स्पाइस नाम दे के अपना पेट रख लिया, और जब भी वो उसे देखा करते थे उन्हें बहुत ज्यादा थ्रिल मिलता था। इसके कुछ महीनों बाद जब एक दिन याशिरो का भाई स्टोर रूम में किसी लड़की का रेप कर रहा था, तो उसने हमेशा की तरह याशिरो को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। पर याशिरो ने सोचा कि यहाँ कौन ही आएगा, तो वहाँ से कहीं चला गया। इसी बीच उसकी मॉम स्टोर रूम के बहुत ज्यादा करीब आ गई। याशिरो के भाई ने अपनी मॉम की आवाज सुनी तो वो घबरा गया और बहुत जोर से उस लड़की का मुंह पकड़ के बैठ गया, जिसकी वजह से अनजाने में उस लड़की की सफोकेशन की वजह से मौत हो गई। जब याशिरो वापस आया तो उसका भाई बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उससे उस लड़की का गलती से मर्डर हो गया था। और फिर उन दोनों भाई ने उस लड़की की लाश को ठिकाने लगा दिया, और इसके बाद उस लड़की की गुमशुदा होने की खबर आग की तरफ फैलने लगी। याशिरो के भाई ने सोचा कि वो याशिरो को फंसा देगा ताकि वो बच जाए, और जब याशिरो को पता लगा कि उसका भाई इस मर्डर केस में याशिरो को फंसाने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसे अपने भाई के सर पे वही मकड़ी का जाला दिखने लगा। इसी बीच उसके प्यारे हैमस्टर स्पाइस की भी डेथ हो गई, जिस वजह से याशिरो बहुत डिप्रेस हो गया। इसलिए नहीं कि उसका पेट मर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे देख याशिरो को थ्रिल मिला करता था, और अब उसके पास कुछ नहीं है जिससे वो खुद को एंटरटेन कर सके। इसके बाद इससे पहले याशिरो का भाई याशिरो को फंसा था, याशिरो ने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया, और सारा सीन ऐसा दिखाया जैसे याशिरो के भाई ने एक लड़की का रेप कर उसका मर्डर कर दिया था, और इसी गिल्ड में आकर उसने सुसाइड कर ली। इस काम को अंजाम देने के बाद याशिरो को अपनी जिंदगी में एक नया थ्रिल मिल चुका था, उसे अपने भाई का मर्डर करके बहुत मजा आया। इसके बाद से याशिरो मर्डर करने के लिए अपने नए नए शिकार ढूंढता रहता था, और ऐसे अज्यूम करता था जैसे उन सभी के सर में वही मकड़ी का जाला बंधा हो। और फिर जब वो उनका मर्डर किया करता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसने उनका वो धागा काट लिया हो, और बस इसी के कारण वो अकेली छोटी छोटी बच्चियों का मर्डर किया करता था, क्योंकि वो आसान टारगेट होती थी। फिर एक दिन उसे सतोरु मिला, जिसने उसके सारे प्लान्स ना जाने कैसे पानी में मिला दिए। उसे सतोरु के ऊपर भी वही मकड़ी का जाला दिखा, और उसने सतोरु का मर्डर करना चाहा, पर ना जाने कैसे सतोरु बच गया, ठीक वैसे ही जैसे याशिरो का हैमस्टर भी बच गया था, और याशिरो ने सतोरु को स्पाइस नाम दे दिया। इसके बाद जब भी याशिरो सतोरु को रोज जिंदा देखा करता था तो उसे वही थ्रिल मिला करती थी जो उसे अपने हैमस्टर को देखे
कभी मिला करती थी, सतोरू ने उसे जीने की एक नई वजह दी। इसलिए वो या तो सतोरू के साथ ही जीना चाहता था या तो सतोरू के साथ ही मरना चाहता था। गाइस, मैंने तो पहले ही आपको ये सब एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर लिया था कि मिस्टर याशिरो साइको था। अब बाप का सिर्फ इतनी सी बात से मन नहीं भरा था तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात करते हैं सतोरू की। सतोरू ने वो सारा समय फिर से जिया जो वो ऑलरेडी जी चुका था, पर एक डिफरेंट पाथ के साथ। पिछले वाले पाथ में उसकी मॉम का मिस्टर याशिरो ने मर्डर कर दिया था। कायो, आया, हिरोमी और जुनशिरो तोरी भी इस दुनिया में नहीं थे, पर एक आयरी कातागिरी थी जो उसकी अच्छी और सच्ची दोस्त थी, जो उस पर विश्वास किया करती थी। उसने पास्ट को चेंज करना चाहा, जिसकी वजह से उसे अपना असली पाथ सैक्रिफाइस करना पड़ा और उसने अपना एक नया पाथ बनाया। पर इस पाथ में उसने अपनी जिंदगी के 15 साल बेड में पड़े गुजार दिए, और जिस लड़की के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कायो, वो भी तब तक किसी और के साथ ही भगली। सॉरी, जोक्स अपार्ट, इस वाले पाथ में उसकी मॉम और युकी जिंदा थे। अब 15 साल तक सतोरू क्योंकि कोमा में था तो बेचारी कायो भी क्या ही करती, उसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। इसी बीच कायो को हिरोमी से प्यार हुआ और उसने उससे शादी कर ली। हाँ, मैं जानता हूँ एज अ व्यूअर हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिस शख्स के लिए सतोरू ने इतना कुछ किया एट दी एंड वही उसके साथ नहीं है। पर जरा गौर से सोचो, सतोरू का मेन मोटिव कभी कायो से प्यार करना या उसके साथ फ्यूचर में शादी करना नहीं था। उसका मेन मोटिव बस उसे किलर से बचाना था, ताकि वो बस उसे फ्यूचर में जिंदा देख सके, जो कि सतोरू ने पूरा किया। इसीलिए उसे अपने इस पाथ को चुनकर किसी भी चीज का दुख नहीं है, वो अपने इस पाथ को चुनकर बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, बस एक चीज की कमी है, आयरी कातागिरी की, क्योंकि कातागिरी के लिए अब सतोरू एक अजनबी है। उसे सतोरू के साथ बिताई एक भी मेमोरी याद नहीं है, क्योंकि उसने वो मेमोरीज कभी बनाई ही नहीं। और कुछ ऐसी खुशी और गम से भरी एंडिंग के साथ ये एनीमे यहीं खत्म हो जाती है। क्या पता इसके बाद सतोरू कातागिरी के साथ फिर से बॉन्ड शेयर करे, क्योंकि एंड में हमने उन दोनों को साथ देखा था। पर ये भी हो सकता है कि सतोरू और मिसातो की केमिस्ट्री चल पड़े, क्योंकि सतोरू को शायद मिसातो पसंद आ गई थी। एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, हर एनीमे हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। इस पूरी एनीमे में हमें एक शब्द बहुत बार सुनने को मिला और वो था विश्वास। सतोरू के दोस्तों ने सतोरू पे विश्वास किया जब वो छोटे थे तब भी, और जब वे बड़े हुए तब भी। हमारी लास्ट कुछ एनीमे जो हमने एक्सप्लेन की, उन्होंने भी हमें यही सिखाया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा जरूर हो जो आप पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखे और आपको कभी भी अकेला ना होने दे। आप भी अपने खास लोगों पर विश्वास बनाए रखना और उन्हें कभी अकेला महसूस मत होने देना। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है। सुबह 4-4 बजे तक जाकर मैंने इस पे काम किया है, ताकि आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी दे सकूं। पर इसके बावजूद भी मुझे इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ थी इतनी बड़ी। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ये एनीमे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की वीडियो में मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बस आप लोगों के साथ अपना दर्द बांटना चाहता हूँ। जैसा कि हमने कहानी में देखा कि सतोरू की मॉम की जब डेथ हो जाती है तो वो पास में जाके जब अपनी मॉम को फिर से जिंदा देखता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो फीलिंग जो सतोरू ने फील की ना जाने क्या ही होगी। हम सभी ने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो जरूर खोया है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करना कि अगर आपके पास पास्ट में जाने की शक्ति होती तो क्या आपके पास ऐसा कोई है जिसको आप पास्ट में जाके एक बार फिर से देखना चाहते हो, जिसके साथ आप फिर से कुछ पल गुजारना चाहते हो। मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक कजन हुआ करती थी। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मुझे आज भी याद है, मैं तब बहुत ज्यादा रोया था। इवन आज भी उन्हें याद करके मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। शी वॉज लाइक माई रियल सिस्टर। वो आज भी मेरे सपनों में आती रहती हैं। काश मुझे एक मौका मिले तो मैं सतोरू की तरह पास्ट में जाके फिर से उन्हें देखना चाहूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव। We'll be right back.